देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंकुट उपलब्ध हैं। बल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। अग्निपथ से पैदा होंगे आतंकवादी, राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट के विवादित बोल दी ये दलील। सेना में 4 साल की सेवा के लिए नई भर्ती योजना। अग्निपथ को लेकर राजस्थान के मंत्री ने विवादित बयान दिया है। अशोक गहलोत, मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित आतंकवादी पैदा होंगे। इंडिया स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित विराट को आराम, शिखर धवन बने कप्तान। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कप्तानी शिखर धवन को दी गई है। जीसस को बताया था सुप्रीम। पाकिस्तान में शख्स को सुनाई गई मौत की सज़ा। पाकिस्तान में ईश निंदा के मामले को लेकर एक क्रिश्चियन व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। मामला करीब 5 साल पुराना है। अशफाक मसीहा नाम के इस व्यक्ति को जून 2017 में गिरफ्तार किया गया था। भगवंत मान मैरिज, दूसरी बार शादी के बंधन में बंधेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। कल चंडीगढ़ में होगी शादी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ में भगवंत मान शादी करेंगे। उनके दुल्हन डॉक्टर गुरप्रीत कौर होंगी। स्पाइस जेट को DCGA ने जारी की कारण बताओ नोटिस। विमान के सुरक्षा मार्जिन में गिरावट से जुड़ा है मामला। गत 19 जून से अब तक स्पाइस जेट के विमानों में तकनीकी खामी के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। स्पाइस जेट पिछले 3 साल से घाटे में चल रही है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने विमानन कंपनी स्पाइस जेट को अपने विमान के सुरक्षा मार्जिन में गिरावट के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में किया 30 दिन चलने वाले दुबई जैसे शॉपिंग फेस्टिवल का ऐलान। कहा अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोर राजधानी दिल्ली में नए रोजगार पैदा करने पर है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह की दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान शुभम उर्फ राव सिंह पृथ्वी की देश की राजधानी दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शुभम ने मरने से पहले फेसबुक पर लाइव आकर ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। यामहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। अतुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। वास्तु विशेषज्ञ चंद्रशेखर गुरुजी को होटल की लॉबी में बुलाया और चाकू से गोद दिया। सरल वास्तु विशेषज्ञ चंद्रशेखर अंगाड़ी उर्फ चंद्रशेखर गुरुजी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आधार वोटर लिस्ट लिंक्ड, 2024 के आम चुनाव से पहले आधार से जुड़ेगी मतदाता सूची। आधार नंबर ना देने पर हटाई जाएगी जानकारी। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले मतदाता सूची और आधार को जोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अभियान चलाकर 31 मार्च 2023 तक 100% मतदाताओं से स्वैच्छिक तरीके से आधार नंबर जुटाने का लक्ष्य तय किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत अब 1,003 रुपये से बढ़कर 1,053 रुपये हो गई है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम बने UNMISS के नए फोर्स कमांडर एंटोनियो गुतारेस ने की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने समय सीमा घटाई, अब 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकते हैं वैक्सीन। प्रिकॉशन डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों की भी समीक्षा की थी। दूसरी खुराक के लिए 9 महीने पूरे हो गए हैं, एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं। शिवसेना सांसदों ने उद्धव को लिखा राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का करें समर्थन। शिवसेना के सांसदों ने पार्टी के राष्ट्रीय उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला।
डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा पर भड़के सीएम शिवराज, भोपाल में FIR। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने काली देवी विवाद में बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ भोपाल की क्राइम ब्रांच ने एक FIR दर्ज किया है। सांसद मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ मोइत्रा पर IPC की धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिल्म काली के खिलाफ जबलपुर में BJP विधायक के बेटे ने दर्ज कराई FIR, गृहमंत्री भी करेंगे कार्यवाही। MP के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भोपाल में फिल्म निर्माता के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। मुकदमा दर्ज कराने वाले हर्ष तिवारी BJP विधायक इंदु तिवारी के बेटे हैं। दिल्ली, MP और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में होने वाली है भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। जानिए IMD का ताज़ा अनुमान। आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत, पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा उत्तराधिकार व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5,000 रुपये तक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल एवं घर का मलबा सड़कों पर रखने वालों से आयकर विभाग के कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के आधार पर शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट का किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को BJP के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अधिकारियों को नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। स्पाइसजेट के 18 दिन में 8 बार इमरजेंसी लैंडिंग, आज भी बीच रास्ते में कोलकाता वापस लौटी फ्लाइट। देश की सबसे व्यस्ततम विमान कंपनी स्पाइसजेट कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि ऐसा आज 8वीं बार हुआ है जब एक स्पाइसजेट का विमान उड़ान भरने के बाद कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण अपने गंतव्य तक ना जाकर वापस लौट गया और इमरजेंसी लैंडिंग की। आकृति सुपर मार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की, आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एंड TMT सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोर्ड की, आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह ने दिया इस्तीफा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मंत्री RPC सिंह ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। गुरुवार से दोनों किसी संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। सर्कुलर जारी ना होने से असमंजस, 600 यूनिट से ऊपर की खपत पर आएगा पूरा बिल। आम आदमी पार्टी द्वारा सत्ता में आने से पहले मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया गया था वह वादा 1 जुलाई से लागू हो चुका है, लेकिन मुफ्त बिजली की सुविधा देने का क्या सिस्टम बनाया गया है, इस संबंधी सर्कुलर जारी ना होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 8 साल बाद दिल्ली में चलेंगी सिर्फ बैटरी वाली कैब, सर्च प्राइसिंग से भी मिलेगी राहत। दिल्ली परिवहन विभाग की नई नीति के अनुसार 2030 तक सभी टैक्सी मालिकों को अपनी टैक्सी को ई वाहन में तब्दील करना होगा। ऐसा ना करने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। दिल्ली की शराब नीति, थोक विक्रेताओं की मदद कर रहे निजी खिलाड़ियों के हाथ में व्यापार। दिल्ली सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर से एक नई आबकारी नीति लागू की है, जिसके तहत शराब का पूरा कारोबार कुछ निजी कंपनियों के हाथ में है। ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ ट्विटर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दी याचिका। केंद्र ने कहा जवाबदेह बनाकर मानेंगे। सरकार के साथ टकराव बढ़ाते हुए सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने भारतीय कानूनों को मानने के लिए केंद्र की सख्ती के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब ओला में छंटनी की तैयारी, लागत घटाने की कोशिश कर रही कंपनी, 400-500 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। ओला करीब 400-500 कर्मचारियों के छंटने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IPO लोन की योजना में देरी और फंडिंग को लेकर चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच ओला अपनी लागत घटाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत वह कर्मचारियों की छंटनी का फैसला ले सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।